सब्सक्राइब और लाइक करोगे ना? भाभी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मगर नदी में गिरने के बाद वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गई? भाभी, ये आपको क्या हो गया? मैं तो सिर्फ आपका रक्षा करना चाहता था, मगर आपने ही मुझे ठुकराया, जिमिन को ठुकराया। मगर मैं तो इतना आसानी से हार नहीं मान सकता, और तुम तो मेरी बनकर रहोगी। उसे ढूंढो। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी कहाँ जा सकती है? मुझे मुझे भाभी को बचाना ही पड़ेगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या किया है, और मुझे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आना है, बिल्कुल नॉर्मल। जमीन, तू अब तक कहाँ था? मैं कुछ काम से बाहर गया था। तू झूठ मत बोल, मुझे पता है तू भाभी के पीछे गया था। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ। एकदम सच सच बोल, तूने भाभी के साथ कुछ किया तो नहीं ना? बस बहुत हुआ। तुम दोनों अपना बकवास बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं थक गया हूँ, इसीलिए सोने जा रहा हूँ, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। रुक जा जिमिन, छोड़ दे, जाने दे उसे, क्योंकि सच्चाई छुपकर भी नहीं छुपता। तू सही बोल रहा है, मगर पता नहीं अभी कौन सा नया मुसीबत आने वाला है। मैं अपना राज किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आने दूंगा। जंको जी मम्मी, तुझे बहुरानी के बारे में कुछ पता है क्या? वो कल से फोन नहीं उठा रही है। शायद होगी किसी अपने आशिक के साथ। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है, तो उसे ढूंढना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि अभी मैं उसको ढूंढने जाऊं। और अभी मैं आपकी नई बहू को लाने जा रहा हूं, तो शायद अभी आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जंको, तू उसे इतना जल्दी कैसे भुला सकता है? प्लीज लीव मी अलोन, मैं अभी इन सब के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। मगर मेरा बात तो सुन। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं आपकी नई बहू को लेकर ही लौटूंगा। आखिरकार तुम आ ही गई। हाँ जंकुक, मैं तुमसे मिलने के लिए कब से बेताब थी, और अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। पर जंकुक, तुम्हारी
करो। और वैसे भी इतने दूर से आकर तुम थक गई होगी, तो इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मगर चंगू, तुम्हारी दीदी और तुम्हारे परिवार वाले। मैंने कहा ना, इन सब का चिंता तुम मत करो, और आज से तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। बस ठीक है जंकुक, जैसा तुम ठीक समझो। बहुत खूब, अब मुझे अपने परिवार से भी मिला दो और हमारे बारे में भी बात कर लो। बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ जंकुक, ले चलो मुझे अपने घर में। कार में बैठो। स्वागत है तुम्हारा अपने इस नए घर में। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर और आलीशान है जंकुक। तुम्हारा शुक्रिया। चलो अब मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। नहीं जंकुक, पहले तुम अकेले अंदर जाओ और मेरे बारे में सबको बताओ, और उसके बाद ही मैं इस घर में कदम रखूंगी। ठीक है जानेमन, जैसा तुम चाहो। तो आप सब लोग आ ही गए, मैं आप सबके लिए खुशखबरी लाया हूँ। तुझे बहुरानी मिल गई है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसका मतलब भाभी आ गई है, मुझे उनसे अभी मिलना है। वो बाहर क्यों खड़ी है, अंदर बुलाओ उसे। हाँ जंकुक, उसे जल्दी से अंदर बुलाओ। आखिरकार जंकुक को भाभी मिली कहाँ? अगर उन्होंने मेरे बारे में सबको बता दिया तो? जैसी आप सबकी इच्छा। अंदर आओ मेरी जान। हेलो, स्वागत नहीं करोगे मेरा? यार फिर सब है।